एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल पर सबका स्वागत करते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता है आज मैं कहाँ पर जाने वाली हूँ। आज मैं फाइनली हेयर स्मूथिंग करने के लिए जा रही हूँ पार्लर में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हेयर स्मूथिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा हेयर वर खराब हो गया था, ड्राई हो गया था और बहुत निकलने भी लग गया था। तो आज मैं फाइनली हेयर स्मूथ करने वाली हूँ, वो भी मेरी मादी की पार्लर में जाऊँगी मैं। एंड मैं दिखाऊँगी आप लोगों की मैं कैसे हेयर स्मूथिंग करवाती हूँ, और पता नहीं मेरा कैसा होगा हेयर स्मूथिंग करने के बाद रिजल्ट कैसा आएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, देखते हैं स्मूथिंग करने के बाद मेरा हेयर कैसा लगता है। मैडी ने बोला है कि हेयर स्मूथिंग में 3000 लगेगा एटलीस्ट, हेयर स्ट्रेट करने में भी 3000 ही लगता है आई गेस। मैंने हेयर स्ट्रेट नहीं किया अभी तक, एंड किसी किसी का 5000 ऐसा लगता है हेयर स्ट्रेट करने में, क्योंकि किसी का बाल लंबा होता है ना। एंड मेरा भी बाल जो है वो बहुत लंबा था पहले, जब मैं क्लास 10 में थी तब मेरा बाल बहुत लंबा था, लेकिन आफ्टर वर्ड एग्जाम मैंने हेयर कट कर दिया था और अभी देखो ऐसा है मेरा हेयर। और आफ्टर वर्ड एग्जाम हेयर कट करने के बाद मैंने फिर से हेयर कट नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस आज हेयर स्मूथिंग करने के लिए। तो मम्मी लोग रेडी हो रही हूँ, मैं तो रेडी हो गई हूँ ऑलरेडी। मैंने बस हेयर कॉम किया है क्योंकि हेयर वेस्ट तो ऑलरेडी वहाँ पर करवाएंगे, इसलिए मैंने हेयर वॉश नहीं किया घर पर, क्योंकि वो लोग पार्लर में ही करवाएंगे हेयर वॉश। और इस बार मेरा हेयर स्मूथिंग करेंगे और मेरा हेयर बहुत ही अच्छा होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लाडू क्या कर रहे हैं। लाडू देखो, लाडू अभी रेडी हो रही है, जल्दी रेडी हो जाओ ठीक है। मुझे हेयर स्मूथिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 आवर्स लगेगा शायद, इसीलिए जल्दी रेडी हो जाओ। तो गाइस अभी आप लोग मेरा बिफोर वाला हेयर देख सकती हो। बहुत गर्मी है अभी, तो बहुत धूप है बाहर गाइस, आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। कोकराझार में भी बहुत गर्मी है अब, तो धूप की वजह से देखो कितना धूप है। और यहाँ पर डूब नहीं है, बाय बाय टेक्नी। मम्मी आ रहा है, चप्पल चल रहे हो। हाय मम्मी, हाय बोल दो ना। मम्मी बहुत शर्माते हैं कैमरा के सामने आने में, हाय बोल दो ना, हाय बोल दो। कितना शर्माता है मेरा मम्मी, कितना क्यूट है। उफ, डूब कितना ज्यादा है। गाइस आप लोग डूब में निकल, बहुत ज़्यादा डूब है गाइस। अगर आप लोग, हाँ पता है, अगर आप लोग बाहर निकलते हो तो आप लोग सनस्क्रीन लगा के जाना, क्योंकि डूब की वजह से स्किन ख़राब हो जाएंगी, इसलिए सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। मैंने भी लगाया हुआ है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाने से ऐसा होता है कि डूब पैस में ज़्यादा नहीं आता। हाँ चलो, अभी हम पहुंच गए हैं। देखो लाडू, हाय बोल दो ना। पहले हेयर वॉश करवाती हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं थ्रेडिंग करवाने वाली हूँ गाइस।
तो गाइस ये रहा मेरा बिफोर वाला हेयर, बहुत ख़राब हो गया था, बहुत जड़ने भी लग गया था, इसीलिए मैं हेयर स्मूथिंग करने के लिए आ गई हूँ। और देखो आप लोग, मैंने हेयर वॉश करवा दिया और इसके बाद अभी हेयर स्मूथिंग करेंगे। मैं ना बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी कि मेरा हेयर स्मूथिंग हो रहा है, ऐसा सोच के मैं बहुत खुश थी। क्योंकि बहुत पहले ही मैं करवाना चाहती थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला था मुझे, और आज टाइम मिला इसलिए मैं गई करवाने के लिए मम्मी और लाडू को लेके, और पापा हमें छोड़ के आ गया। और देखो अभी हेयर क्रीम लगा लिया उन्होंने। और अभी मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही हूँ क्योंकि मुझे 30 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, ये इसको सूखने तक मुझे वेट करना पड़ेगा, और मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही थी। अभी फिर से उन लोगों ने मेरा हेयर वॉश कर दिया और इसके बाद अभी हेयर स्ट्रेट करेंगे वो लोग मेरा। मैंने पहले कभी भी हेयर स्ट्रेट नहीं किया था, मेरा नेचुरल ही था हेयर। मेरा पहला वाला हेयर भी ठीक ठाक ही था, अच्छा ही था, लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ था इसीलिए मैंने हेयर स्मूथिंग करवा लिया और मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और देखो लाडू लोग क्या क्या खा रही थी, वो लोग पकौड़ा खा रही थी मेरे बिना। मैं वहाँ पर बैठ के बोरिंग हो रही हूँ और वो लोग बहुत खा रही थी। जब मैं कुछ खाने की चीज़ देखती हूँ तो मतलब मैं खाई बिना तो रहती नहीं, तो मैं आ गया खाने के लिए बीच में छोड़ के, मतलब हेयर स्मूथिंग कर रही थी और बीच में छोड़ के आ गया और खाने के लिए आ गया। मैं बस यही सोच रही थी कि कब मेरा हेयर स्मूथिंग ख़त्म होगा, कब वो लोग मेरा हेयर स्ट्रेट करेंगे और कब मैं घर वापस जाएंगे, बस यही सोच रही थी मैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही थी। तो अभी एक दीदी और एक भैया ने मेरा हेयर स्ट्रेट करके दिया है, तो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया हेयर स्ट्रेट करना। और मैं बस सोच रही थी कि कब ख़त्म होगा और कब मुझे मेरा फाइनल लुक देखने को मिल जाएगा, ऐसे सोच रही थी मैं बस। और अभी ख़त्म होने ही वाली है और ख़त्म होते होते बहुत रात हो गई थी, 8 बज गया था। तो हेयर स्ट्रेट करने के बाद उन लोगों ने मेरा फिर से हेयर में क्रीम, हेयर क्रीम लगा लिया ताकि मेरा हेयर और स्मूथ हो जाए इसीलिए। और देखो गाइस, सब लोग देख ही सकते हैं, फाइनली मेरा हेयर स्मूथिंग वो जो है कंप्लीट हो गया है। मैं तो बहुत खुश थी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं कैसा दिख रही हूँ, पहला वाला हेयर सबसे अच्छा था या अभी का हेयर अच्छा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, देखो वाओ, जस्ट वाओ। तो गाइस अभी मेरा हेयर स्मूथिंग जो है वो पूरा हो गया है, तो अभी हम घर के लिए निकल रही है। चलो पापा को बुला लिया हमने, पापा अभी आ रहे हैं क्योंकि पापा नहीं रहा हमारे साथ, वो हमें छोड़ के चला गया था, तो अभी पापा आने वाले। अब लोग बताओ मेरा न्यू लुक कैसा लग रहा है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अच्छे दिख रहे हो ना, अभी तो मैं खुद को डॉल की तरह दिख रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं डॉल बन गया। गाइस अभी बहुत रात हो गया है, हाँ वो आने वाली है, एंड पापा अभी तक नहीं आया हमें लेने के लिए, अभी तो बहुत रात हो गया, अभी 8 बज गया है। अगर पापा नहीं आया तो हमें टोटो से जाना पड़ेगा। गाइस अभी बहुत रात हो गया और पापा हमें लेने आ गया, एंड वीडियो को एंटर देखने के लिए थैंक यू सो मच।
एंड गाइस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिस जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं मारूंगी बहुत, ठीक है? तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी ही, बाय बाय, आई लव यू ऑल।